फेस्टिवल है। हर दिन सलमान सर ने हम लोगों के लिए यादगार बना दिया है। सपना पूरा हो गया है। मेरे दिल में ये जरूर था कि सलमान भाई के साथ स्क्रीन पे दिखेंगे। नाम ही काफी था, लेकिन फिर भी इतने बड़े नाम के बावजूद सलमान सर ने मुझे पिक्चर को नरेट करा, मुझे पढ़ाया, फिर जाके उन्होंने बोला अब करेगा। इतने बड़े होने के बावजूद भी, तो ये होती है, ये होता है एक एक्टर, और ये होती है फिल्म, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म। आपके साथ भी हुआ? नहीं, मेरे साथ एक ऑडिशन प्रोसीजर था और उसके बाद स्क्रिप्ट नरेशन था, तो काफ़ी अच्छे से मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी, कैरेक्टर समझा, और उसके बाद ही डिसीजन मेकिंग टोटली मेरा था। मेरी और राघव भाई की स्टोरी थोड़ी सेम है। जब मुझे कॉल आया, उनका नाम ही काफ़ी था मेरे लिए, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं जाऊँ, स्टोरी सुनूँ, कैरेक्टर पता करूँ कैरेक्टर क्या है। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा भी कि तुम्हें ये कैरेक्टर अच्छा लगा या नहीं, तो मतलब वो काफ़ी है मेरे लिए। तो मैं इस फिल्म को मैं सिर्फ एक फिल्म नहीं बोलता हूँ, ये मैं अपने लिए एक अचीवमेंट समझता हूँ। ईद पे रिलीज़ हो रही है जी, काफ़ी एक्साइटमेंट होगी यार, सलमान भाई की फिल्में वैसे भी ईद पे आती हैं, बहुत धमाल मचाती हैं। अरे इस एक्साइटमेंट तो मतलब क्या बोलूँ, डबल ट्रिपल चौपल है, और इस ईद में आ रही है, इतने अच्छे दिन में आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है ये फेस्टिवल है सबके लिए। तो चाहेंगे हम लोग कि आप इस फेस्टिवल में जाएं, अपनी पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म देखें। ये इतनी बड़ी फिल्म है कि इसमें हम सबका साथ में सपना पूरा हो गया, क्योंकि ऐसी ब्लॉकबस्टर मसाला तड़का धड़का एक्शन सब मिला के है इसमें, तो आई गेस हम सब और हर एक एक्टर और हर एक आर्टिस्ट चाहता है ऐसी फिल्म में काम करना। तो मेरी डेब्यू फिल्म है, मेरे लिए तो ऐसा हुआ कि मैंने आँख खोली और भगवान ने सुन ली। इस फिल्म में सबका साथ सबका विकास है, मेन ही है, बहुत ये फैमिली फिल्म है, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, इसमें फैमिली के लिए फिल्म है, इट्स बाय द फैमिली फॉर द फैमिली एंड वी आर इन, यस फ्रॉम द फैमिली। तो ये एक बिल्कुल मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है, हमारे देश की फिल्म है, और ये हिंदुस्तानी फिल्म कहेंगे इसे, मैं खुद चंदन जाके देखूंगा इसे चुपचाप। हाँ, ये भाई की फिल्म है यार, हम देखते आए हैं वैसी, और मैं वैसे ही सेलिब्रेट करता हूँ भाई को। चंदन पे हम सवाल आगे पूछेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल मेरे जहन में ये आ गया कि जब ये आप फिल्म कर रहे थे, आपकी जो पहचान है वो एक कॉमेडी का है, डांसिंग का है, हमने उसी रूप में आपको देखा है बिल्कुल में, या छोटे मोटे बिल्कुल, आपका जो किरदार है इसमें वही है जो? नहीं, इसमें बहुत सब कुछ है इसमें, मेरे किरदार में, इसमें मैं हम इमोशनल होते हैं तीनों भाई, हम तीनों भाई फन भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सिद्धार्थ ने भी इसमें फन भी किया है, इमोशंस भी हुए हैं, और मैंने एक्शन भी कराया इसमें मुझे सिखा के, तो सब कुछ है इसमें, सब कुछ देखेंगे आप जो एक नॉर्मल इंसान में होता है। नॉर्मल इंसान कैसा पैदा होता है, रोता भी है, हंसता भी है, हैं, सब कुछ होता है ना, तो वो वैसा है। अभी आपने कहा ताली बजाएंगे, सिक्के फेंकेंगे, जो भी है, हम बहुत जमाने के बाद पठान जब रिलीज हुई थी, तो जी जी, इस फिल्म से उम्मीद है कि बिल्कुल उम्मीद भाई, 4 साल बाद आ रहे हैं सलमान भाई, कैसे नहीं होगी, जैसे उसने कहा फेस्टिवल है, फिल्म ही है ये, फेस्टिवल है, और हमारे लिए खुद एज एन ऑडियंस बोल रहा हूँ मैं, ये एज एन इस फिल्म में काम करता हुआ एक्टर नहीं बोल रहा है, ये मैं एज एन ऑडियंस जाऊँगा देखने। शूटिंग थी या पार्टी अभी तक चल रही है क्या? बिल्कुल भाई, देखो सलमान भाई के साथ काम कर रहे हैं, माहौल बना रहता है, और ये ज़रूरी भी है, काम अच्छा निकलता है सर, जितना आप दुखी रहेंगे उतना काम अच्छा नहीं निकलेगा, जितना आप खुश मिजाज माहौल में रहेंगे वैसा काम अच्छा निकलेगा। आपने देख ही लिया वीडियो में कैसे टांग खींचते हैं भाई मेरी लुंगी को लेके या किसी और चीज़ को लेके, सो यस। आपका कोई कहते ना यादगार मोमेंट फिल्म से जुड़ा? हर दिन हम लोगों का इतना यादगार रहा है कि हम आए हैं सुबह उठ के, हमने शूट किया है, फिर हमने शूट के बाद सलमान सर के साथ खाना खाया है, फिर शायद अगर 2-3 दिन हो गए तो उसके बाद हमारी एक मिनी गेट टुगेदर पार्टी होती थी, तो वो हर दिन सलमान सर ने हम लोगों के लिए यादगार बना दिया है। मैं बेहद ही एक्साइटेड हूँ, और ये सपना पूरा होने जैसा नहीं है, ये सपना पूरा हो गया है। आई थिंक हर किसी को, स्पेशली अगर आपको एक्टर बनना होता है तो पहली मूवी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मेरी पहली मूवी मेरे फेवरेट हीरो के साथ आ रही है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सलमान खान की फैन आप कितने ज़माने से? अरे जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं उनकी फ़ैन हूँ। मेरा आई थिंक मेरे भाई का फर्स्ट फेवरेट हीरो भी सलमान सर है, क्योंकि अब उनको टाइगर के नाम से जानता है, तो ही लव्स एक था टाइगर, मतलब पूरी फैमिली का भाईजान सलमान खान जी। फिल्म अब रिलीज हो रही है, क्या मालूम क्या कहेंगे दर्शक कि आप अपनी ईद भी बेटर कीजिए और हमारी ईद भी सबसे बेस्ट कर दीजिए, और आइए मूवी देखिए किसी का भाई किसी की जान, आउट 21 अप्रैल।
मीरा किरदार का नाम है मुस्कान, जो है मोह की गर्लफ्रेंड मोह की मुस्कान। एंड हम लोग बस चाहते हैं कि भाईजान शादी कर ले, और दैट ऑब्वियसली कॉजेज अ लॉट ऑफ कॉमेडी और अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एंगल्स इन द मूवी, पर आपको देख के पता चलेगा। भाईजान की शादी के लिए बहुत लोग परेशान हैं, और आज से हमारे से मैं अपनी 20 साल से हर बार सवाल पूछते हैं और पूछना भी बंद कर दिया उनसे। हम फिल्म में भी उनकी शादी ही करवा रहे हैं। हम सिर्फ फिल्म में ही परेशान हैं, वैसे परेशान नहीं है वैसे सीरियसली परेशान नहीं, और हम फिल्म में ही बोल सकते थे, हमने फिल्म में ही बोला फिल्म में ही बोला अदरवाइज तो नहीं, बट हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, सब अच्छा। क्या कहें, पहले भी आपकी फिल्म आ चुकी है, अब सलमान खान के साथ जी और फिल्म आ रही है, कितने एक्साइटेड हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली सलमान भाई के साथ देखेंगे लोग तो इस चीज़ के लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ अच्छा होता आ रहा है लाइफ में शुरू से लेकर अभी तक, और ये एक और ऐसी चीज़ है जो एक अचीवमेंट की तरह मैं फील करता हूँ कि मेरी लाइफ में हुई है। तो सलमान खान का जब क्या पास से जब फ़ोन आया था या उनके यहाँ से जब फ़ोन आया था, तो आपने अपनी स्क्रिप्ट भी सुनी थी या चलो नहीं स्क्रिप्ट तो सुनी थी और पहले बात ही ये हुई थी कि आप पहले नरेशन लें और उसके बाद आप हमें बताएं कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, बट हाँ सलमान सर के नाम से ही मुझे ये होगा था कि एक तो यही बहुत बड़ी बात हो गई थी कि उन्होंने अप्रोच किया उनकी टीम से के फिल्म के लिए अप्रोच किया उन्होंने, और दूसरी चीज़ हाँ मेरे दिल में ये ज़रूर था कि सलमान भाई के साथ स्क्रीन पे दिखेंगे, और जो क्योंकि सलमान भाई की एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके इतना बड़ा स्टारडम है, अगर आप उनके साथ देखोगे तो आप लोगों में और जा रहे हो, और मैं बिलीव करता हूँ लोगों को जोड़ने में कि लाइक अभी तक जितना काम किया है उससे कुछ ना कुछ जुड़ता आया है मेरे साथ, तो ये चीज़ भी ऐसी ही है कि अभी सलमान भाई के साथ देखेंगे काम दिखेगा और अच्छा अच्छा काम आगे करने को मिलेगा। तो गाना भी गाया और एक्शन भी किया फिल्म में? गाना नहीं मैंने गाया इस फिल्म में, एक्शन ज़रूर किया, और एक्शन मैंने पहली बार किया, इससे पहले मैंने एक्शन नहीं किया था कभी, तो मेरे लिए बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था और डिफरेंट एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और पहले दिन ज़रूर थोड़ा बहुत डरा हुआ था मैं, बट उसके बाद तो बड़ा मज़ा आया एक्शन में, स्पेशली बड़ा मज़ा आया। नए लोगों को इतने बड़े स्टार के साथ काम कराना, किस तरह से फील कराया सलमान खान ने अपने साथ आपको? आपको लगेगा कि हम बहुत नर्वस होंगे सेट पे, जो आई थिंक नर्वस पहले दो मिनट होती है, पर एक बार सलमान सर सबको कंफर्टेबल करवा, बस वो एक जो क्रैक कर देते हैं और कोई कंफर्टेबल हो जाता है, यू नो, और उनकी सीनियोरिटी है, पर उस सीनियोरिटी ने हमें इंटरमीडिएट कम और मदद ज़्यादा किया है अपनी, उन्होंने बहुत एडवाइस दी है कि यू नो कि कोई बात नहीं ऐसे कर लो, या बहुत रीअश्योर किया है, एंड समटाइम्स हैविंग दैट हैंड ओवर योर हेड इज ऑल द रीअश्योरेंस यू नीड। कोई यादगार लम्हा अगर शेयर करना चाहिए? पूरी मूवी यादगार लम्हा है, 6-7 महीने हमारे यादगार लम्हे ही हैं, पर नहीं वो उनके साथ हर दिन लंच और डिनर खाना आई थिंक बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड मेमोरी है हम सब के लिए। जी जी यही कहना चाहते हैं कि 4 साल बाद सलमान भाई की फिल्म आ रही है कोई, तो आप मतलब वैसे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि लोग ऑलरेडी इसको फेस्टिवल की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि सबको ये कि फिल्म आ रही है, तो अभी उनके साथ हम भी आ रहे हैं सारे, तो हम उतनी एक्साइटेड हैं, और एक तो सलमान भाई की फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं कि 4 साल बाद देखेंगे, और उनके साथ हम देखेंगे इस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सो आप भी प्लीज़ 21st को ज़रूर देख के आइए सारी फैमिली के साथ देखिए।